हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे BSTC के अपवर्ड मूवमेंट को लेकर। अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान करने का ऑप्शन आपको है वो आज से शुरू हो जाएगा। आपको कैसे है वो अपवर्ड मूवमेंट कराना है, और साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटों पर सेकेंड लिस्ट आएगी और कब तक आएगी। और जिन विद्यार्थियों ने है वो फीस नहीं भरी है, लगभग 3000 ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गया लेकिन फीस नहीं भरी थी, उनके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वंडरफुल वीडियो को। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। किन के लिए? जिन विद्यार्थियों को 2023 के अंदर कॉलेज है वो मिल गई है, ठीक है, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, DLED फर्स्ट ईयर 2023-24 के नाम से। ऑल राजस्थान के विद्यार्थियों को एक ग्रुप रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ वही विद्यार्थी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा जिसका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, एडमिशन स्लिप जिसने निकाल दी है, या फिर जिस वो फीस भरने वाला है, ठीक है, और उसको कॉलेज मिल गया है, वो विद्यार्थी इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर रखा है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप इस ग्रुप को है वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको भी ज्वाइन करना, और आपके आसपास किसी भाई का सिलेक्शन हुआ है, आपके आसपास किसी बहन का सिलेक्शन हुआ है, आपके आसपास के साथी जो आपके मतलब ज़िले के हैं, ठीक है, आपके गाँव के हैं, आपके कॉलेज के क्लासमेट हैं, उन सबको इस ग्रुप का लिंक सेंड करना है। ग्रुप के अंदर हमेशा चैट ऑन रहेगी, आप डिस्कशन कर सकते हो, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हो, एक दूसरे से सारे बातें शेयर कर सकते हो, जानकारियां शेयर कर सकते हो, ठीक है, कॉलेजेस को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर, आगे आने वाले दो साल जो रहेंगे आपके, आप एक दूसरे की बातें यहाँ शेयर कर सकते हो। चैट हमेशा ऑन रहेगी, आपको मर्यादाओं में रह करके है वो आपको हमेशा इस ग्रुप के साथ जुड़े रहना, अपने साथियों को भी जोड़ना है। अब जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया BSTC में, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा लिंक के माध्यम से। अब चलते हैं हम आगे, चलो आगे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, बता दूं कि ये न्यूज़ आज आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि लगभग 3000 विद्यार्थियों ने फीस है वो नहीं जमा कराई है, ठीक है, जो मतलब फीस जमा नहीं कराई है। तो अब फीस जमा नहीं कराई है तो शिक्षा विभाग ने क्या किया, एक बार उनको और मौका दिया है, ठीक है, और मौका उनको दिया है, देखो आप लोगों के और मौका दे करके आपके फीस भरने की तारीख है वो बढ़ा दी है, ठीक है, फीस भरने की तारीख बढ़ा दी है। देखो ये रहा, यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी द्वारा 13555 रुपये जमा करवाने एक तारीख तक, यानी 1 जनवरी 2024 तक आपने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है, ठीक है, तो आप फीस जमा कराओ अपनी, नहीं तो आप वंचित रहोगे एडमिशन से, ठीक है, ये हो गई सीधी बात, ठीक है। और आपको 2 तारीख को आपको कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं, यदि आपने ये नहीं किया 2 तारीख तक तो आपका एडमिशन इस साल फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिन्होंने फीस जमा करा दी उनको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको सहमति प्रदान करने का ऑप्शन दिया है 3 तारीख तक, है ना, 3 जनवरी 2024 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान कर सकते हो, ठीक है। 3 तारीख के बाद में मतलब 4500 सेकेंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट कैसे करवाना और किसको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, ठीक है, दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने है वो 3 तारीख तक क्या करेंगे वे विद्यार्थी, ठीक है, क्या करेंगे, अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, ठीक है। अब वो विद्यार्थी भाग नहीं ले पाएंगे जिनका एडमिशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, जिनका एडमिशन हुआ है एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे, 3 तारीख तक फीस जमा करा देंगे, डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, भाग ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस हेतु उन्हें अधिकृत वेबसाइट पर अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन सहमति प्रदान करनी होगी, कुछ नहीं करना है, अपना लॉगिन ओपन करना है नंबर वो पासवर्ड से, ठीक है, और आपको अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, हाँ या ना करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, यदि अपवर्ड मूवमेंट कराना है तो हाँ पर क्लिक कर दो, नहीं कराना है तो बस वो नहीं पहले से ही है, ठीक है। ये तो मैं बात बोल रहा हूँ ना आपको, ऐसा नहीं सर हम नहीं करके आए हमारा सबका अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, नहीं होगा आपका, सबका पहले से नहीं है, यदि आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप छेड़छाड़ करने के लिए आपको हाँ करना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात, तो अब सबका नहीं है, ठीक है, जिनको करवाना है ना अपवर्ड मूवमेंट, भाई सर मुझे कॉलेज चेंज करनी है, वो क्या करेंगे, हाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आपका कॉलेज है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर की लिस्ट के अंदर आ जाए कॉलेज आपका, ठीक है, यदि आप कॉलेज नीचे से मिला है। कौन अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकता, जिस विद्यार्थी को फर्स्ट चॉइस मिल गई है ना, लिस्ट भरी थी आपने कॉलेजों की, उसमें से पहली कॉलेज आपको मिल गई, तो आप अपवर्ड करा के अब कहाँ जाओगे बताओ, 1 से पहले 0 आता है, फिर फिर रद्द करवानी है कॉलेज आपको, क्या है ना, समझ गए मेरी बात, तो 1 से पहले 0 आता है, इसका मतलब क्या है, आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। यदि आपको 5 नंबर की कॉलेज मिली है
तो आप ऊपर जा सकते हो, आपको 10वें नंबर की मिली है तो आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना, आपको 50वीं मिली है तो आप ऊपर जा सकते हो, एक वाला ऊपर कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर ही तो बैठा है ना। तो जिसको पहली नंबर की कॉलेज मिल गई है तो वो अपॉइंटमेंट नहीं करवा सकते, समझ गए मेरी बात है। तो उनको है वो कुछ भी है वो यहाँ पर छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। अब सर बताओ सेकेंड लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी 4 या 5 तारीख के बीच में, 4 या 5 जनवरी के बीच में सेकेंड लिस्ट और अपवर्ड दोनों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों साथ ही जारी होते हैं हमेशा, अपवर्ड और सेकेंड का लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, ठीक है। अब बात रह गई कितनी सीटें खाली हो सकती है, लगभग रहेगी 3000 समथिंग सीटें खाली रहनी है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, 3000 सीटें खाली रहेगी, 3 से 4000 की भी सीटें खाली रहेगी। अभी न्यूज़पेपर में लिखा है ना 3000 विद्यार्थी फीस जमा नहीं कराइए, तो ये विद्यार्थी फीस जमा मुझे हिसाब से नहीं कराएंगे, और विद्यार्थी शेष रह जाएंगे बीच, किसी विद्यार्थी एडमिशन रद्द हो जाएगा किसी विद्यार्थी, किसी कारण से मतलब 3000 सीटें खाली रह जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है, और अब मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। अब सभी साथी जिनको जिनको कॉलेज मिल गया है 2023 के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, देखो ये आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो।